आलू टमाटर की ये सब्जी बहुत ही झटपट बनने वाली है। नवरात्र के इन दिनों में भी हम इसे खा सकते हैं। आलू को मीडियम साइज में काट कर एक छोटे चम्मच देसी घी में आलू के टुकड़े डालकर 3 से 4 मिनट तक ढककर पकने के लिए रख देते हैं। ग्राइंडर में स्वादानुसार हरी मिर्ची, 3 से 4 टमाटर, ढेर सारी हरी भरी धनिया और स्वादानुसार सेंधा नमक डाल करके पेस्ट बना लेते हैं। व्रत में आप जीरा अदरक खाते हैं तो वो भी इसमें डालकर पीस लीजिए। 4 से 5 मिनट के बाद 2 बड़े चम्मच मूंगफली का डालकर अच्छे से मिलाने के बाद ढककर 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है। टमाटर के पेस्ट को डालकर इसे मिलाने के बाद लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। तब तक कुट्टू के आटे में 1 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके डाल देते हैं। आलू और आटे को मिला करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ गया है। अब इसकी रोटियां बना लेते हैं। इसमें आलू इसलिए डालना जरूरी होता है क्योंकि अगर सिर्फ आटे की रोटियां बनाएंगे तो वो टूट जाती है, तो आलू एक बाइंड क्रिएट करता है। जब तक रोटियां बनाई तब तक आलू टमाटर की सब्जी भी धीमी आंच पर पक चुकी थी। अब 1 चम्मच देसी घी डालकर इसे रोटियों के साथ परोसेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बनता है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी रेसिपीज के लिए मेरा पेज फॉलो करना मत भूलिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।